जो दिनेश जी के साथ कर रहा हूँ और दिनेश जी इसकी मुख्य भूमिका में, मैं फसल के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सर ये बताइए कि दिनेश जी के साथ इससे पहले भी आपने कहीं कोई फिल्में की हैं या अभी आपकी पहली फिल्म? दिनेश जी के साथ फिल्में करने के लिए मेरी कोशिशें बहुत रही और धीरे धीरे कोशिशें सफल होती नज़र आ रही है, फसल के थ्रू और सबका बाप अंगूठा छाप के। फसल एक तरह का जो है देखा जाए तो अभी तक कि जो है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, नए तरह का टाइटल लग रहा है, तो फसल जो है वो किस तरीके से फिल्म के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए फसल ये शब्द जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों का मुद्दा भारत में अब क्या चल रहा है, किस हद तक चल रहा है, ये तो सब लोग आप देख ही रहे हैं। किसानों के मुद्दे पहले भी और अभी भी, जो सारी चीज़ें जो तकलीफ़ें किसानों को आती हैं उन्हीं मुद्दों को बारीकी से समझते हुए हम लोग फसल कर रहे हैं। सर फसल जो है जैसे आपने बताया कि किसानों के ऊपर है, तो क्या ये किसानों का जो है मुद्दा एक पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जाए, मतलब पॉलिटिक्स से जोड़कर भी आप जो इस फिल्म को किसी ना किसी तरह से देख रहे हैं? देखिए जहाँ पर किसान आ गए तो उसमें सारे मुद्दे जुड़ते हैं, वो पॉलिटिक्स हो या किसान के पर्सनल जीवनी हो, जो भी है, जो भी किसान के थ्रू या किसान से जुड़े हुए सारे मुद्दे इसमें रहे। सर इस फिल्म के माध्यम से जो आप फसल बना रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात तो भोजपुरी में कॉन्सेप्ट फिल्में बहुत कम बनती हैं और कॉन्सेप्ट फिल्मों को बनाने का दौर मैंने संघर्ष से शुरू किया, तो संघर्ष हो, दोस्ताना हो, लिट्टी चोखा हो या फिर अभी फसल हो, तो ये कॉन्सेप्ट के मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए एक सिनेमा बनाना और उसको हर तरीके से प्रॉपर वे से उसको आकार देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भोजपुरी के लिए, मेरे भोजपुरी दर्शकों के लिए। तो फसल एक कॉन्सेप्ट फिल्म है जो लोगों को पसंद आएगी, जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में नहीं बनती है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्में नहीं बनती है, बन रही है और भी बनेंगी। सर आप एक्शन सिनेमा बनाने के लिए मशहूर हैं, तो एक्शन में आप जो है फसल में आप एक्शन कैसे डालेंगे सर? बिल्कुल फसल में एक्शन, एक किसान जितना एक्शन कर सकता है, जिस तरीके से एक साधारण आदमी एक्शन कर सकता है वो साधारण एक्शन होगा, और ज़रूरी नहीं कि वो एक्शन साउथ जैसा हो या ऐसा हो या वैसा हो, नहीं, एक साधारण आदमी एक एक्शन जो कर सकता है वो एक्शन फसल में भी होगा। नया क्या आप इसके माध्यम से दे रहे हैं, इस फिल्म के माध्यम से नया आप कुछ देखने को मिलेगा सिनेमा में? देखिए नया तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। मुझे आप बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में किसानों के मुद्दे पे कोई भोजपुरी फिल्म बनी हो, शायद से, मुझे तो नहीं लगता है कि बनी हो, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। और फसल ये मेरा ड्रीम था, लगभग 6 से 7 सालों से ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और इस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर प्रेम राय भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रेम राय जी को जो फसल को बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपको कैसे लगा कि जो है दिनेश लाल या तो निरहुआ ही जो है इस फिल्म के साथ में आया कर सकते हैं, कोई और अदर हीरो जो है नया नहीं कर सकता, या किसी और को लेकर के आपने क्यों नहीं सोचा दिनेश जी के अलावा? देखिए मेरा कैरेक्टर न्याय कोई अदर हीरो नहीं कर सकता ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे कैरेक्टर में दिनेश जी फिट है, फसल के लिए एक किसान के बतौर दिनेश जी फिट है मेरे इस कैरेक्टर के लिए, इसीलिए हम लोग दिनेश जी के साथ कर रहे हैं। तो सर दिनेश जी के साथ मनाने में, इस फिल्म के जरिए उनको लाने में आप पहली बार काम कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, कंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल, दिनेश जी बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं और दिनेश जी को जब मैंने ये वन लाइनर सुनाई तो बहुत एक्साइटेड थे, बल्कि उनके भी और भी अच्छे अच्छे इनपुट्स आए कि पराग जी हम लोग इसको ऐसा करेंगे, इसको इस मुद्दे को इस तरीके से लाएंगे, तो वो भी पॉलिटिकल माध्यम से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से दिनेश भैया जुड़े हुए हैं, तो किसानों के तहत एक क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बारीकियां हो सकती हैं, तो उनके भी इनपुट्स रहे हैं फसल के स्क्रिप्टिंग के दौरान, और
मिलजुल के हम लोग फसल बना रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि दिनेश जी इस फिल्म में कर रहे हैं आपके साथ, फर्स्ट टाइम आपका है, तो आप फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं? एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट भी है आपके साथ, क्या मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म से? उम्मीदें तो बहुत है, पूरी इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं फसल से, और हम लोग जैसे शूट कर रहे हैं, हम लोग रियलिस्टिक लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, हम लोग फसल आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहां पर हम लोग फसल का दृश्य सिनेमा में कैप्चर कर सकें। और एक माटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम सब लोग मिलजुल के बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.